तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाईटी। तो गाइज, आज भी मेरे पास काफी सारी अपडेट्स है। जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा कि कैरी मिनाटी के ऊपर पुलिस केस हो गया है। तो कल जब वो अपने चैनल कैरीज लाइव पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब उन्होंने इस चीज पर रिएक्ट किया एंड उन्होंने मेडे मूवी के बारे में कुछ अपडेट दिया एंड ट्रिगर्ड इंसान के साथ वो कब लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उसके बारे में भी अपडेट दिया एंड और भी अपडेट्स है रिलेटेड टू फुकरा इंसान, गेमर फ्लिट एंड सम्राट भाई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर देख लेना क्योंकि स्ट्राइक की वजह से वो वीडियो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कैरी मिनाटी के बारे में। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि कैरी मिनाटी के ऊपर केस क्यों हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि गौरव गुलाटी करके एक एडवोकेट है, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा, रिपब्लिक टीवी रिपोर्ट ऑन माई क्रिमिनल #complaint filed against कैरी मिनाटी यूट्यूबर अजय नागर एंड उन्होंने कैरी मिनाटी के ऊपर बहुत सारी आईपीसी सेक्शंस भी लगाई हैं जिसको आप पॉज करके रीड कर सकते हो एंड मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जो गौरव गुलाटी करके एडवोकेट हैं, उन्होंने कैरी मिनाटी के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि ये वुमेन की डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके बॉडी पार्ट्स पर कमेंट्स करता है, इसीलिए इनके ऊपर पुलिस केस किया जा रहा है। आप इनके फाइल को भी पॉज करके रीड कर सकते हो। देन ये चीज हो जाने के बाद कैरी मिनाटी के फैंस गौरव गुलाटी को 2-3 वीडियो शेयर करते हैं जहां पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि कैरी मिनाटी वुमेन की फुल रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं एंड उसके बाद कैरी मिनाटी ने अपने लाइव स्ट्रीम में क्या रिएक्ट किया फिर वो दिखाऊंगा। तो पहले आप ये वाली क्लिप्स को देख लो। देश में अगर मेरे पास कोई भी सुपर पावर होती तो मैं ये सुपर पावर होती मेरी कि मैं रेप्स पे स्टॉप कर सकूं उन चीजों को। आई जस्ट ये मैम अंदर से इंसान डिस्टर्ब हो जाता है जब ये चीजें रीड करता है इंसान। रेप बंद करो, ये रेप बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। जब पता है किसी लड़की का रेप होता ना, वो अकेली नहीं रोती, उसके माँ बाप अकेले नहीं रोते, पूरा देश रोता, पूरी दुनिया रोती है उसके साथ में। मैं तो यार मैं सही बताऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई और बदलाव नहीं देखना है, मुझे बस ये चाहिए। इसके बाद कैरी मिनाटी ने अपने लाइव स्ट्रीम में गौरव गुलाटी के बारे में कुछ ये रिएक्ट किया। कैरी, एक मिनट, कैरी भाई क्या बात, कम बैक करते ही कोर्ट केस, क्या करूं यार इन चीजों का, मैं बच्चों का कौन ध्यान रखेगा मेरे बच्चों का है। मैं कुछ करवा दूंगा, बोल दूंगा, जैसा कि मेरी हमेशा की आदत है, मुंह बहुत चलता है मेरा। एंड फिर किसी फैन ने गौरव गुलाटी से एग्जैक्टली ये पूछा कि आपने केस किस वाले वीडियो पे किया है, तो इस पर गौरव गुलाटी रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं कि कैरी मिनाटी का जो स्केच वीडियो था जो कि इंग्लिश में था उस पर नहीं, बल्कि जो कैरी मिनाटी का फर्स्ट रोस्ट वीडियो आया था जो कि गेम प्ले वाला था उस पे किया है। इस चीज को देखने के बाद सम्राट भाई ने भी गौरव गुलाटी को ये रिप्लाई किया कि ऑल राइट, डिफेमेशन केस के लिए भी प्रिपेयर रहना वकील साहब, मतलब कि सम्राट भाई इस वकील के ऊपर डिफेमेशन केस करने वाले हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सब के ऊपर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि कैरी के मेडे मूवी के बारे में। तो इस मूवी का भी अपडेट देते हुए उन्होंने कुछ ये कहा, भाई जी थारी मेडे मूवी कैडरी 80 आएगी ब्रदर, आएगी, अभी नहीं, आई थिंक वो अभी भी काम ही कर रहे हैं और अभी तो शूट भी होना ही है। आई डोंट नो, मेरे को ऐसे मेरे पास नहीं है, बट आई नो अभी भी शूट होना है। एंड उन्होंने इसी लाइव स्ट्रीम में ये भी बताया कि वो ट्रिगर्ड इंसान के साथ कब खेलने वाले हैं, तो आइए वो वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। भाई अब ट्रिगर्ड इंसान के साथ नहीं खेलोगे क्या, प्लीज प्ले, आई एम ट्राइंग टू सी यू बोथ। यस यस खेलते हैं सर, खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं, अभी जस्ट वापस आए हैं, थोड़ा जोन में आ जाए फिर खेलते हैं सबके साथ। कैरी भाई शाउट आउट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस उन्होंने अपने वीडियो के एंड में जितने भी रोस्टर्स उनको रोस्ट करते हैं उन सभी को रिप्लाई किया है, बेसिकली जो जो उनको गालियां देते हैं उन्हीं को रिप्लाई किया है। तो आइए उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। अभी आपका नाम है, सब चीज ठीक है, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसको अच्छा बोलो, जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसको अच्छा ना बोलो, बट मैं एक सजेशन दूंगा, बिना बात की गालियां मत दो। हेट रेट से कभी ऑडियंस बिल्ड नहीं होती और हेट करने से कुछ नहीं होता। क्रिटिसाइज भी करो तो एक वे होना चाहिए क्रिटिसाइज करने का, नॉट लाइक फायल कि आप किसी को मार दो या नॉट लाइक यू पे मतलब की गाली दे दो। आपको लॉजिकली कोई चीज अच्छी लगती है आप उसको क्रिटिसाइज करो कि हाँ मेरे को इसका फ्लो नहीं अच्छा लगा, टेम्पो नहीं अच्छी लगी, लिरिक्स नहीं अच्छी लगी, वॉइस नहीं अच्छी लगी, ठीक है, कोई एक चीज आपको अच्छी लगी, मेरे को बंदा नहीं पसंद, ये भी आप बोल सकते हो। बट ओनली थिंग आई टेल यू अबाउट मी इज व्हेनेवर एनीवन मेक्स अ रोस्ट वीडियो ऑन मी, मेरे को सारी रोस्ट वीडियोस मैं अप्रिशिएट करता हूं अंटिल एंड अनलेस वो बंदा मेरे को गाली दे रहा है। बिना मतलब किसी को गाली मत दो, बाकी आप क्रिटिसाइज करो विद फैक्ट्स लॉजिक्स एंड ऑल, आप क्रिटिसाइज करो, मेरे पे बहुत रोस्ट वीडियो बनते हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, बट आई डोंट अप्रिशिएट किसी को बेमतलब गाली देना, नॉट ऑन द राइट पाथ ब्रो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है गेमर फ्लिट के बारे में। तो गाइस उन्होंने भी अपने लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में ये बताया कि हीरो ब्राइन एसएमपी की मेन लाइव स्ट्रीम कब होगी, तो ये उस पार्ट को भी मैं आपको दिखा देता हूं। हीरो ब्राइन एसएमपी मेन स्ट्रीम कब है, नो आइडिया। आज का डेट है
आई मीन आज क्या वो है तारीख है, ऐसे ऐसे ट्यूसडे राइट, ट्यूसडे वही होगा फिर, अगले ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे से पहले पहले होगी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए ये लिखा कि हेलो, नेक्स्ट मंथ एक सरप्राइज देने की सोच रहा हूँ, #TopSecret। देन उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि शायद फेस रिवील का वीडियो आने वाला है। तो गाइस हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ टोटल गेमिंग अपना फेस रिवील कर दे। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड आप लोग देख ही सकते हो कि मैं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे पहले अपडेट्स लाता हूं, बट मेरे चैनल पर जो स्ट्राइक आई है उसकी वजह से लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो गाइस थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो। और जब कल कैरिमिनाटी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब मैंने सुपर चैट भी किया था, जहाँ पे मैंने अपने चैनल की स्ट्राइक के बारे में बताया, लेकिन कैरिमिनाटी ने चैट ही नहीं पढ़ा, जबकि मैंने दो दो बार किया। कोई बात नहीं गाइस, 75 डेज बचे हैं फिर चैनल की स्ट्राइक हट जाएगी, तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, मैं ऐसी आप लोग के लिए सबसे पहले अपडेट्स ले आऊंगा। एंड अगर आपके पास भी कोई अच्छी अपडेट आती है तो आप उसे मुझे न्यूज सबमिशन में भेज सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।